पुरानी पेंशन बहाल करने, पदोन्नति, एसीपी का लाभ देने सहित 21 सूत्री समस्याओं के निदान की मांग को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने एक दिवसीय धरना दिया तथा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। विकास भवन में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने धरना देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। सभा के दौरान कर्मचारी नेता केसी मिश्रा, संतोष जोशी, प्रमोद मेहता, कैलाश आर्य सहित अन्य कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आगामी 14 दिसंबर को फिर से आंदोलन किया जाएगा। बाद में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। हमारा आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है विकास भवन के प्रांगण में, और हमारी लगातार सरकार से मांगे की जा रही 21 सूत्री मांगे हैं जो अभी हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, और सरकार द्वारा हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सरकार को हमारी मांग तत्काल पूरी करनी चाहिए। इसके बाद हमारे आगे के भी कार्यक्रम हैं, अभी 14 तारीख को फिर हमारी एक महारैली निकलेगी। हमारे अभी ये जो धरना प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड लेवल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हमारे सरकार ने यदि हमारी मांग तुरंत नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को और उग्र के रूप में आंदोलन करेंगे, और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी इसके बाद हम एक जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप हमारे कर्मचारियों की जो भी मांगें हैं कुछ मांगों को आप जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। हमारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, उसमें हमारी कई मांगे हैं जिसमें सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही, और कई मांगों को पूरा कर रही तो उसमें जो जारी नहीं कर रही है, तो उससे भी हमारे ये कर्मचारीगण आक्रोशित हुए हैं। तो अगर सरकार जो मांगें पूरी हुई हैं उनका जियो जारी कर दे, और जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, जो कोई बड़ी मांगे नहीं, छोटी छोटी मांगे हैं, इनको सरकार संभवतः पूर्ण कर सकती है। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे अग्रिम कार्रवाइयाँ क्या हैं आपकी? अभी 14 तारीख को हमारा फिर एक रैली का कार्यक्रम है, उसके बाद भी शीघ्र ही हमारा फिर क्या कहते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल हम करने जा रहे हैं अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेंगी। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन उत्तराखंड की 21 सूत्रीय मांगों पर लगातार विगत 5 वर्षों से जो है सरकार के साथ वार्ता चल रही, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का मिनिस्ट्रियल फेडरेशन को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, और जो मांग है उन पर कोई शासनादेश नहीं किया जा रहा है। लगातार इन मांगों के संबंध में कई स्तर पर शासन पर हमारी वार्ता हो चुकी है, हम लोग देहरादून मुख्य सचिव स्तर तक के वार्ता में पहुंच चुके हैं, लेकिन सब जो वार्ताएं बेनतीजा हैं, और सरकार का बिल्कुल भी कर्मचारियों के प्रति और खासकर मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रति कोई भी जवाबदेहीपूर्ण जो है कोई भी फैसला नहीं कर रही है। हमारी बहुत जो कर्मचारी जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जो संवर्ग के सबसे ज़्यादा पीड़ित है, और जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो मिनिस्ट्रियल फेडरेशन संवर्ग की ही जो है मिनिस्ट्री सचिव ही संवर्ग की सबसे ज़्यादा कार्य करता है। उसमें कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं उसको हमारी जो मांग है उसमें मुख्य तौर से 2800 करा जाए, उसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन किया जाए, ओ लेवल का उसका सर्टिफिकेट हो, और कई विभागों में आज की तिथि तक जो है पुनर्गठन नहीं हुआ है, उन विभागों का कोई ढांचा नहीं बना हुआ है, उनके मात्राकरण नहीं हुआ है, तो प्रदेश के अंदर पूरे विभागों में एक प्रकार की नियमावली बने, इस प्रकार की हमारी मांगें हैं, जो बहुत ज़्यादा सरकार के लिए कोई भी इस प्रकार की नहीं है कि सरकार को बहुत ज़्यादा वित्तीय भार का नुकसान हो रहा है और या किसी अन्य प्रकार का नुकसान हो रहा है। ये सब सामान्य तो प्रक्रिया है हमारी, इसमें बहुत सारी मांगें हैं, और जो मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का जो एक स्टेप है वो 5-6 स्टेप हैं, उन स्टेपों को में भी एक स्टेप कम किया जाए, ये भी हमारी एक मुख्य मांग है। तो इसी प्रकार से हमारी 21 सूत्री मांग है, उन मांगों के लिए हम अभी लगातार आंदोलन है। आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, 14 को हमारा जो है जनपद मुख्यालय पर पूरे कर्मिकों का जो है एक जोरदार आंदोलन और रैली के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो है प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए हमें जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिर 14 तारीख को आने वाले समय में सरकार को अपनी नीतियों के बारे में अवगत हो जाएगा, मालूम भी चल जाएगा, और उससे सर्वप्रथम ये है कि आज का जो कर्मचारी है वो अपनी समस्याओं को लेकर जो धरातल पर उतरा है, वो धरातल पर आना उसकी मजबूरी है, कर्मचारी की मजबूरी है कि अपनी समस्याओं को लेकर के वो राजनीति के धरातल पर आ रहा है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार की है, पूरी सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है, और सरकार ने हमारी मांगों को सुनना चाहिए और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।